हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे आप कभी भी बना सकते हैं। जब आपको कभी भी कोई सब्ज़ी समझ में ना आए तो आप इसे आसानी से बनाइए, बहुत ही टेस्टफुल ये सब्ज़ी बनती है। तो आज मैंने बनाया है बेसन की सब्ज़ी बहुत ही अलग तरीके से, या फिर आप इसे वेज ऑमलेट भी कह सकते हैं। गारंटी है अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से एक बार इस सब्ज़ी को बना लेंगे तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे, बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ी बनती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं बबीता और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने कुकिंग चैनल पर। अगर आप सभी को हमारी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऐसे नए नए वीडियो हमेशा देखने के लिए। तो चलिए आगे रेसिपी शेयर करते हैं। तो दोस्तों, बेसन की ऐसी सब्जी जो नॉनवेज को भी फेल कर दे, उसके लिए यहाँ पर मैंने एक कटोरी बेसन लिया हुआ है और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 10-12 कलियाँ लहसुन की और कुछ 6 से 7 हमने लिया हुआ है हरी मिर्चें जो सूख कर लाल हो जाती हैं, वो हरी मिर्चें हमने लिया हुआ है। आप चाहें तो ग्रीन भी ले सकते हैं और हरी मिर्चों का स्वाद इस सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पर मैंने लिया हुआ 2 मीडियम साइज का टमाटर और टमाटर का पेस्ट हम अलग तैयार करेंगे और यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून जितना लिया हुआ है सरसों के दाने, सरसों को भी हम अलग पीसेंगे। तो चलिए सभी चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेते हैं अलग से और आपको दिखाते हैं क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम सरसों को ग्राइंड कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए बिना पानी के पहले इसे ग्राइंड कर लेंगे, फिर इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सरसों का फाइन पेस्ट हमने तैयार कर लिया है और इसे हम छान लेंगे। इसका छिलका जो है कभी कभी डाइजेशन में प्रॉब्लम करता है, इसीलिए इसका छिलका हम हटा लेते हैं। और ये देखिए फाइन इसका पेस्ट तैयार हो गया और इसका छिलका देखिए हमने हटा दिया है। इसे हम पौधों में डाल देंगे और इसे हम अलग रखते हैं। और अभी हम लहसुन और हरी मिर्च का भी पेस्ट हम तैयार कर लेते हैं। करने के बाद हम टमाटर का भी पेस्ट तैयार कर लेंगे, दोनों को अलग अलग हमने तैयार करके रख लिया है। तो यहाँ पर एक बाउल में हम बेसन को शिफ्ट कर लेते हैं और इसका एक बैटर तैयार करेंगे। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जितना नमक और 1/4 चम्मच यहाँ पर डालेंगे हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून इसमें लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देते हैं। सभी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेते हैं। इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जितना बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हमें डोसे जैसा बैटर तैयार करना है। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसके हम लम्स हटा लेते हैं, गुठलियाँ हटा लेते हैं। तो गुठलियाँ हटाने के बाद फिर हम इसमें पानी डालेंगे जितना हमें चाहिए बैटर के लिए। तो यहाँ पर देखिए एकदम लम्स फ्री ये बैटर तैयार हो चुका है और आपको दिखाते हैं कैसा इसका कंसिस्टेंसी है। और ये देखिए ऐसा ही इसका बैटर रहना चाहिए। तो चलिए आगे क्या करना है देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने नॉनस्टिक पैन चढ़ाया हुआ है, थोड़ा सा ऑयल से हमने इसे ग्रीस कर लिया है। तो यहाँ पर पैन गर्म हो जाने के बाद हमने फ्लेम को लो कर दिया है और 1.5 बड़ा चम्मच हमने यहाँ पर बैटर को डाला है और इसे डोसे जैसा हम स्प्रेड कर लेंगे। तो ज़्यादा पतला नहीं करना है, देखिए थोड़ा सा थिक ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे फैला लिया है और हल्का सा ये थोड़ा सीख जाए फिर इसे हम फोल्ड कर लेंगे, थोड़ा कच्चा ही रहना चाहिए ऊपर का जो सरफेस है। तो यहाँ पर देखिए कच्चे में ही हम फोल्ड करेंगे तो अच्छी तरह से चिपक जाएगा। तो दोस्तों, इसे बनाने के लिए एक बात का ध्यान रखना है, ऊपर का सरफेस हल्का गीला रहे तभी इसे आप फोल्ड कीजिए, वरना ये चिपकेगा नहीं और ये आपका खुला रह जाएगा, चीला जैसा बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे चिपका दिया अच्छी तरह से और ये बहुत ही अच्छा एक रोल बनकर तैयार है। तो यहाँ पर देखिए निकाल लेंगे। अब चलिए दूसरा रोल भी इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। तो 1.5 बड़ा चम्मच यहाँ पर हमने बैटर को फैला लिया है और इस बार हमने कोई भी ऑयल नहीं ग्रीस किया हुआ है और ये देखिए थोड़ा सा थिक ही रहना चाहिए। हमने इसे डोसे जैसा फैला लिया है और इसे देखिए थोड़ी देर में इसे हमें फोल्ड कर लेना है, बस 1-2 मिनट में इसे फोल्ड कर लेना है, नहीं तो ये चिपकेगा नहीं। और ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरा वाला भी हमने बहुत ही आसानी से तैयार कर लिया है। बस ध्यान रखना है ऊपर का सरफेस जब गीला रहे तभी इसे फोल्ड करना है, तभी जाकर ये बहुत ही आसानी से चिपकेगा। और यहाँ पर देखिए 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ा सा इसे प्रेस करते हुए चिपका देंगे और दोनों तरफ से सेक लेंगे ताकि ये कच्चा ना रहे। और ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये सीख चुका है। तो 2 रोल्स हमने तैयार कर लिए हैं, 2 बेसन के रोल्स, और बाकी के रोल्स भी इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे और फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास नॉनस्टिक पैन ना हो तो आप इसे आयरन तवा पर भी बना सकते हैं आसानी से। बस ध्यान रखना है तवा अच्छा गर्म होना चाहिए और नेक्स्ट बैच जब आप डालें तो इसे ऑयल से ग्रीस करके नेक्स्ट बैच डालें। तो यहाँ पर देखिए हमने 1.5 बड़ा चम्मच ऑयल लिया हुआ है और ये सरसों के तेल में हम बनाने जा रहे हैं ग्रेवी को। तो यहाँ पर देखिए ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जितना जीरा,
दो तेज पत्ते डाल देते हैं और इसमें डालेंगे एक छोटा बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को गोल्डन कलर आने तक भून लेते हैं। फिर इसमें डालेंगे लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट जो हमने तैयार करके रखा हुआ है। और देखिए प्याज में अच्छा कलर आ चुका है, इसमें डाल देते हैं पेस्ट। तो लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट ये 2 टेबलस्पून जितना है हम डाल देते हैं सारे। तो यहाँ पर लहसुन हरी मिर्च को इसका रॉ स्मेल ख़त्म होने तक भून लेते हैं। और अच्छी तरह से भून लेने के बाद इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो यहाँ पर देखिए मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं लहसुन और हरी मिर्च, इसमें डाल देते हैं 1 टेबलस्पून जितना धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून जितना हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून जितना यहाँ पर डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। तो कश्मीरी लाल मिर्च यहाँ पर हम कलर के लिए डाल रहे हैं, तीखा के लिए हमने हरी मिर्च का यूज़ किया हुआ है। तो मसालों को यहाँ पर 1-2 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो मसाले ज़्यादा नहीं भूनेंगे नहीं तो ये जल जाएंगे। 2 मिनट के लिए बस यहाँ पर हमने भून लिया है। इसमें डाल देंगे टमाटो का पेस्ट, 2 टमाटर हमने पीस कर लिया हुआ था तो यहाँ पर दरदरा ही पीसा है हमने। और ये देखिए टमाटरों को अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक इससे ऑयल ना छोड़ने लगे। टमाटर और मसालों को यहाँ पर हमने 4-5 मिनट के लिए लो फ्लेम करके अच्छी तरह से भून लिया है, इसने ऑयल को छोड़ दिया है। यहाँ पर 2 कटोरी जितना पानी डाल देते हैं जितना हमें ग्रेवी चाहिए। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना होता है, बेसन की सब्ज़ी थोड़ा पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है इसलिए इसमें ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा रखनी होती है। तो उससे पहले यहाँ पर हमने जो सरसों का पेस्ट तैयार करके रखा हुआ है वो डाल देते हैं। और पानी यहाँ पर कम है तो पानी और डालेंगे। तो इसी कटोरी से 1.5 कटोरी पानी और डाल देते हैं और इसमें अच्छा बॉयल आने देते हैं। तो एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसी टाइम हम डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ग्रेवी में 1 उबाल आने के बाद हमने इसमें नमक डाला है। ग्रेवी को अच्छी तरह से पकने देते हैं, फ्लेम को लो कर देते हैं और इसे 5-6 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेते हैं। तो यहाँ पर ग्रेवी पक रहा है तब तक हम बेसन के रोल्स जो हमने तैयार करके रखे हुए थे उसके पीसेस कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे साइज के पीसेस आपको पसंद हो वैसे आप इसके कट कर लीजिए छोटे बड़े। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं पीसेस कट कर लेती हूँ और ये देखिए सारे पीसेस हमने कट कर लिए और ये 5-6 मिनट हो गए हैं, ग्रेवी अच्छी तरह से पक कर तैयार हो गई है। ये देखिए अभी इस तेज पत्ते का कोई काम नहीं है, इसे हम निकाल देंगे और ये बेसन के जो पीसेस हैं हम डाल देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से एक बार बेसन की सब्ज़ी बनाकर देखिएगा, आपको लगेगा नहीं कि आप ये बेसन की सब्ज़ी खा रहे हैं, एकदम फिश करी जैसा इसका टेस्ट आएगा। तो ज़रूर आप बनाइएगा। और इसी टाइम हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे ग्रेवी के साथ। और साथ ही यहाँ पर डाल देंगे 1 टीस्पून जितना गरम मसाला पाउडर और एक बार मिक्स करके हम इसे ढक देंगे और 5 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब 5 मिनट के बाद मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही अच्छी तरह से ये बेसन की सब्ज़ी बनकर तैयार है देखिए। और इसकी ग्रेवी आप देख सकते हैं पहले से कितना ये ठीक हो चुका है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि बेसन की जो सब्ज़ी होती है पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, ग्रेवी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो उसके लिए पानी आप ज़्यादा ही डालें तभी जाकर आपकी सही सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। तो बीच में हमें पानी थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने इसमें 1/2 कटोरी बॉयल किया हुआ पानी डाला था। और ये लीजिए फ्रेंड्स बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही लाजवाब ये बेसन की सब्ज़ी बनकर तैयार है। इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स इसे सर्व करते ही आ रहा है मुँह पानी, बहुत ही लाजवाब ये सब्ज़ी बना है, बहुत ही टेस्टफुल ये सब्ज़ी बना है। तो आप भी इसे बनाइए और अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर कीजिए, आपने इसे बनाया तो कैसा बना। और अब इसे गार्निश कर लेते हैं थोड़ा सा फ्रेश धनिया के साथ। और ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही परफेक्ट बेसन की सब्ज़ी बनकर तैयार है। इसे आप रोटी, पराठे, चावल किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप लोगों की रेसिपी ज़रा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऐसे नए नए रेसिपी हमेशा देखने के लिए।